सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हंसे हंसे पनवा खेवले बे मनवा कि अपना बसरे पार देश कोरी रे चुनरिया में दगिया सबसे बेहतरीन गाना है। इनफैक्ट द गो टू सॉन्ग जिसको कहते हैं ना कि जब आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी दुख में हो या आप थोड़े से लो हो तो आप कुछ सुनना पसंद करते हैं। ऐसा होता है अक्सर आर्टिस्ट के साथ, सिंगर्स के साथ। दिस इज़ दैट सॉन्ग टू मी। ये इतना ख़ास है, दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक मेरे इनिशियल एक्सपोजर्स में से एक गाना था जो भोजपुरी के बारे में हम सुने थे, जाने थे। और कितनी बड़ी बात है कि इस गाने को मन्ना दा साहब ने और महेंद्र कपूर जी ने गाया है। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि भोजपुरी में इतने दिग्गज कलाकारों ने काम किया है। और ये फिल्म विदेशिया का गाना है और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कहाँ से इंस्पायर हुआ था, इंस्पायर्ड था ये गाना हंसी हंसी पनवा खेवले बेमनवा, ये गाना कहाँ से आता है आई विल टेल यू लेटर। दरिया कजरी नजरिया से खेले रे बदरिया हो कजरी नजरिया से खेले रे बदरिया कजरी नजरिया से खेले रे बदरिया कि बरसई रकतवा कनीर सर्दी के मारे छाई जर दे चनर मामे गर्दी मिले रे तक मारे रे करे जवा में ठेस। तो इस गाने के पीछे की कहानी ये है कि महेंद्र मिसर के एक नौकर हुआ करते थे गोपीचंद। और क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि महेंद्र मिसर ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट थे और वो एक क्रांतिकारी थे, तो वो नकली नोट छापने का काम करते थे। तो किसी भी बाहर के आदमी को जल्दी अपने साथ रखते नहीं थे काम पर। पर दिस मैन गोपी चांद जिसका नाम था, ही वन हिज कॉन्फिडेंस और वो उनका नौकर बना रहा 3 साल तक। और तीसरे साल वो पुलिस का आदमी निकला और महेंद्र मिसर गिरफ्तार हो गए। सो
in his memory and in the memory of that moment he lived, he wrote this song, Hasi Hasi Panava Khiaule Gopi Chanava. वहीं से इंस्पायर हुआ है ये गाना. मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स एंड आई फील सो गुड व्हाइल सिंगिंग इट. अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा.